उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के पुरोहित और भगवान भवन स्वामी लाल 1962 से लगातार भूमि बंदोबस्त की मांग कर रहे हैं, जिस मांग पर अब प्रदेश सरकार की ओर से सकारात्मक रुख अपनाया गया है। इस संबंध में गंगोत्री धाम के पुरोहितों और बाशिंदों ने पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। गंगोत्री धाम के पुरोहितों और बाशिंदों ने पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज से भी मुलाकात की, जिस पर सतपाल महाराज ने गंगोत्री धाम में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया पर जल्द कार्रवाई शुरू करने के लिए सचिव को निर्देश दिए हैं। मेरे पास पंडित कृपाराम सिंहवाल जी खड़े हुए हैं और आपने पहले भी प्रार्थना दी थी कि गंगोत्री धाम के अंदर लैंड सेटलमेंट जो है किया जाए। मैंने सेक्रेटरी को निर्देशित कर दिया है और उसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। मैं क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सेमवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये कार्य अगर पूरा होगा तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा और सबको बहुत है न्याय मिलेगा। विधानसभा चुनाव को तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक उत्तराखंड की जनता के बीच दिल्ली मॉडल की बात फेंक रहे हैं। वहीं मंगलौर के हरचंदपुर निजामपुर गाँव में नवनीत राठी ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक सही राम विधूड़ी जनसभा में पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने केवल जनता को ठगने का काम किया, ये केवल जनता का शोषण करने में जुटी हुई है। दिल्ली में स्कूल की हालत को सुधारा गया है, शिक्षा के स्तर में भी सुधार हो गया है। शिक्षा और चिकित्सा में दिल्ली सरकार ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। उत्तराखंड में आप पार्टी के आने के बाद अन्य दलों में खलबली मची हुई है। तो ऐसे में आपको बता दें, लगातार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में सक्रिय होती नजर आ रही है। तमाम दिल्ली से नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलौर दिल्ली के विधायक पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो उत्तराखंड में आपको बता दें, लगातार आम आदमी पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है, जनता के बीच पहुंच रही है, साथ ही तमाम वादे जनता से करती नजर आ रही है और कई फ्री वादे भी यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता के लिए किए गए हैं। इसी कड़ी में मंगलौर में दिल्ली से विधायक पहुंचे, जहाँ पर जनसभा का आयोजन किया और बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कहते ना, हाथ कंगर को आरसी क्या, पढ़े लिखे के लिए फारसी क्या। दिल्ली दूर थोड़ी ही है। अभी जितनी योजनाएं मैंने बताई हैं ये भी यहाँ लागू करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद अपने जमान से घोषणा कर चुके हैं, 300 यूनिट फ्री का, 5000 रुपया बेरोजगार भत्ता, महिलाओं के लिए 1000 रुपये। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पूरा स्टेट का दर्जा है। यहाँ दिल्ली में क्या है, ना सरकार के पास लैंड है ना लाइन ऑर्डर है। यहाँ तो सरकार के पास लैंड भी है, लाइन ऑर्डर भी है, स्टेट का पूरा दर्जा है, मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है। दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप मीडिया बंधुओं को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सही चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हमारी जो बात है, हमारी जो योजनाएं हैं, वो लोगों तक पहुँच रही हैं। देखो, बस एक चीज़ जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि हमारे विधानसभा के लोग त्रस्त हैं। उन्होंने अपने नेताओं को वोट के टाइम पर देखा और सबने वो भी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने अपनी जनता को डोर टू डोर कभी कैंपेन किया होगा या आम जनता से, गरीब लोगों से भी कभी मिले होंगे। विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोशीले अंदाज में जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कहा कि सभी लोग आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस लें। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को सत्ता में काबिज करवाने को अपना मन बना चुकी है और जगह जगह वर्तमान बीजेपी सरकार का विरोध होना शुरू हो गया है। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी और कांग्रेस प्रदेश में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। तो पौड़ी में गणेश गौदियाल पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गौदियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जीत का मंत्र भी दिया।
लक्सर के बालावाली गांव में कुछ दिन पहले खेत में जा रहे किसान के ट्रैक्टर से उतार कर दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें परिजनों की ओर से 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन लक्सर कोतवाली पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी न होने को लेकर गुस्साए परिजन सैकड़ों की संख्या में लक्सर कोतवाली पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा। गुस्साए परिजनों ने कोतवाली गेट पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। बिगड़ते मामले में खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने हस्तक्षेप भी किया और मामले को सुलझाने की कोशिश की। आपको बता दें कि खानपुर विधायक ने डीजीपी अशोक कुमार, पुलिस कप्तान डॉक्टर योगेंद्र रावत और लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी बीएस चौहान के साथ एक बैठक की, जिसमें इस बात पर सहमति जताई गई और लक्सर पुलिस तत्काल आरोपियों के खिलाफ कुर्की करने की कार्रवाई करेगी। तो लक्सर का ये पूरा मामला है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रैक्टर से उतार कर शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए परिजन परेशान थे क्योंकि इंसाफ उन्हें नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद अब कोतवाली में परिजनों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। वहीं आपको बता दें प्रणव सिंह चैंपियन ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और साथ ही इस बात पर सहमति बन गई, अब लक्सर पुलिस तत्काल आरोपियों के खिलाफ कुर्की करने की कार्रवाई करेगी। आज पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी ने लक्सर में जनता जनसंवाद आयोजित किया, जिसमें पूरी जनपद से जो शिकायतकर्ता थे, जो बेचारे मुलाकाती थे, वो आए, अपनी बातें उन्होंने रखी। बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझे लगा। मैंने कंसेप्ट में वो चीज़ उठाई थी, ये जो घटना हुई है इस घटना का हम विरोध करते हैं और आपको जो आमूलचूल परिवर्तन करना है वो करिए। तो डीजी अशोक कुमार जी एक बड़े एक्सेप्शनल आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। देखिए, जनसंवाद का पर्पज है लोगों के बीच आकर के लोगों की समस्याओं को सुनना और उनसे सुझाव प्राप्त करना पुलिसिंग के संबंध में। तो हमने ये आदेशित किया है कि हर थाने में कम से कम 3 महीने में जनसंवाद जरूर होना चाहिए हर थाने में। तो किसी में SSP जाएंगे, किसी में SP एडिशनल SP जाएंगे, किसी में DIG जाएंगे। उसी कड़ी में हमारा प्रयास था, ये लक्सर क्षेत्र में आकर के हमने लोगों से जनसंवाद किया है और यहाँ की बहुत सारी समस्याएं भी हमारे संज्ञान में आई हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक में RLG का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें RLG नेताओं का आरोप है कि ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। सत्ता के दबाव में ही खंड विकास अधिकारी ने सभी टेंडर निरस्त कर दिए, जिसको लेकर RLG नेता ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन RLG नेताओं की मांग पूरी ना होने पर RLG का धरना प्रदर्शन व्यापक हो गया और इस दौरान हजारों की तादाद में RLG के कार्यकर्ताओं ने बुढ़ाना खंड विकास कार्यालय का घेराव किया। वहीं RLG के SC ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया पहुंचे और भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी वहां पर पहुंचे। वहीं प्रशांत कन्नौजिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए BJP सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत भी की। क्या कुछ नरेश टिकैत ने, आप भी सुनिए। केंद्र सरकार ने जो तमाम जो कृषि कानून थे वो वापस लिए हैं और वहीं उसके बाद से लगातार किसानों के बीच हर्ष और उल्लास का माहौल है और तमाम जो किसान नेता थे वो अपने घर लौट गए हैं। तो ऐसे में ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत। बात करते हैं, जिस तरह से सरकार ने तीनों कृषि कानून थे वो वापस ले लिए हैं, किस तरह देखते हैं और कितना बड़ा मतलब क्या मानते हैं? नहीं, एक तो है, ज़्यादा इतनी ज़्यादा खुशी तो है नहीं। हमारे 700-750 करीब हमारे किसान शहीद हो गए इसमें। सरकार ने बहुत लंबा टाइम लिया, नुकसान तो उनका ज़्यादा है, पर फायदा ये है कि भाई हमारा जो एक भाईचारा है, एक जो किसान एकता है, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक पूरे देश की निगाह आंदोलन पर थी, सब एक जीत हुई और इसमें अच्छा लगा। आगे आने वाली सरकारें भी हिचके के कुछ काम धंधा कुछ गलत निर्णय लेते हुए, तो हमें तो इस बात की खुशी है बहुत। और लोगों क्या लगता है 2022 की विधानसभा चुनाव में भी जो ये आंदोलन था इसका प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? भाई इसमें तो हम नहीं कुछ कह सकते, ये तो जनता के निर्णय की बात है। जनता जो कर भी चुनेगी, जनता समझदार है,
पर यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान काफ़ी है। हाँ, इसका होर तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो जो संयुक्त मोर्चा, हम भी बंधे हुए कहीं ना कहीं, जो निर्णय होगा संयुक्त मोर्चा लेगा, पर नुकसान जरूर है इसे। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इस नुकसान की गणना भरपाई करनी पड़ सकती है सरकार को? नहीं, देखो तो जनता करेगी, क्या है बातचीत, जनता समझदार है, खुद वो सब समझ ले, अपने नुकसान ना फेंके, जनता अपने आप जान ले। तो देखिए, ये हमारे साथ था नरेश टिकैत, जो कह रहे हैं कि जो जिस तरह का आंदोलन चला है उससे कहीं ना कहीं भाईचारे को एकता मिली है और कहीं ना कहीं भाईचारा मजबूत हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम किसान संयुक्त किसान मोर्चा में नेता थे उनकी सहमति से कहीं ना कहीं जो तमाम किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर तमाम पदाधिकारी, वो कहीं ना कहीं एक हुए हैं। अपने सहयोग फैसल के साथ मैं तस्लीम राणा, न्यूज़ ऑल इंडिया, मुजफ्फरनगर। ये जो पंचायत थी कार्य, जो हमारे जो ब्लॉक के जो कार्य थे, जो क्षेत्रीय जो सांसद है, क्षेत्रीय विधायक है, उनके दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है और जो कार्य यहाँ के खंड विकास अधिकारी द्वारा स्टार्ट करा दिए गए थे उन कार्यों को प्रभावित कर दिया गया और क्षेत्र की जनता में उन कार्यों को लेकर के रोष था, क्योंकि 40 टेंडर किए थे, 40 के 40 टेंडर जो है यहाँ के खंड विकास अधिकारी ने कैंसिल कर दिए। और उसी बात को लेकर के आज जो है पूरे क्षेत्र की जनता, आप लोग देख ही रहे थे, कई सौ हज़ारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ यहाँ पर जो है ब्लॉक प्रांगण को घेरे हुए थी और चौधरी नरेश टिकैत जी उसमें बीच में आए, उनका नेतृत्व हुआ।